पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। दिल्ली के इंडियन स्कूल के परिसर में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक एक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। ईमेल मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिजेश नाम के व्यक्ति की इस बात की जानकारी पुलिस को दी। आपको बता दें फिलहाल आपको बता दें स्क्वाड की मदद से चेकिंग जारी है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक सादिक नगर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल को सुबह 10:40 के करीब पर एक ईमेल भेजा गया, जिसमें दावा किया गया कि उनके परिसर में बम रखा गया है। उन्होंने बताया है कि एहतियातन तौर पर स्कूल को खाली कर दिया गया है। स्कूल के बाहर के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादातर छात्रों के माता पिता गेट पर इकट्ठा हो गए हैं। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक माता पिता का कहना है कि स्कूल से उन्हें मैसेज मिला था कि बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल से ले जाया जाए। पिछले साल नवंबर में एडमिन को एक अज्ञात शख्स ने इसी तरह का ईमेल भेजा था। हालांकि जांच में पता चला था कि वो एक फर्जी ईमेल था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चंदन चौधरी ने बताया है कि उनकी टीमें बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर है। अभी केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।